हे गाइस, एक बार फिर से आपका आर्ट जामेलिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वर्ड स्टडी करने वाला हूँ। मैं आज इसमें मैं इस वीडियो को टाइम लैप्स में बनाने वाला हूँ, ताकि आप पूरी वीडियो देख सकें कि मैंने किस प्रकार से इसमें शेडिंग की है। इसी वजह से मैंने ये पूरी वीडियो टाइम लैप्स में बनाई है। अगर मैं इस वीडियो को टाइम लैप्स में नहीं बनाता तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है उसके बाद, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो टाइम लैप्स में बनाई है, ताकि आप पूरी वीडियो आसानी के साथ देख सको। सो गाइस, अगर आप अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। सो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो गाइस, ये चिड़िया तो हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसको कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके चोंच से शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है। डार्क एरियाज के लिए हमें सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ करना चाहिए, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल का। इससे ज़्यादा डार्क हो जाता है। लाइटली सेट के लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है लाइटली सेट के लिए। तो गाइस, इसमें मैं सोप चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा डार्क हो रहा है। We'll be right back.
मेरा वर्क हो गया है कंप्लीट, देख सकते हैं आप भी कितना ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क किया है मैंने, ये कितना ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क किया है मैंने देख सकते हैं आप भी। सो गाइस आज मैं बता देता हूँ मैंने इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है। सो गाइस देख सकते हैं आप भी मैंने कितना ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क किया है मैंने ये। गाइस ये वीडियो में इतना साफ नहीं दिख रहा है लेकिन रियल में देखने में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो मैं बता देता हूँ मैंने इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है। ये जो हाईलाइट किया है मैंने ये देख सकते हैं आप, ये और जो ये पानी में हाईलाइट किया है मैंने, ये वाला, ये जो पानी में किया है मैंने, ये सब मैंने मोनो जीरो इरेजर से किया है। और मैंने इसमें ये पेंसिल का यूज़ किया है, इन पेंसिल का और इन चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है मैंने। आज जो डार्क एरिया दिख रहे हैं ये सब मैंने चारकोल से किया है और बाकी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से किया है। बस चारकोल का मैंने यूज़ यहाँ पर किया है, इसकी आँख में किया है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ, बस मैंने इसके ज़्यादातर यहीं पर चारकोल का यूज़ किया है। मेरा ये वर्क पसंद आया आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।